आरटीवी लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं शिवांगी अवस्थी। उत्तर प्रदेश में रूबेला इंजेक्शन से हो रही मौतों के बाद आज शाहजहांपुर के दो विद्यालयों के 12 बच्चे फिर बीमार हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विगत दिवस भी शाहजहांपुर में सरस्वती शिशु मंदिर के 30 बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आज सुबह ही स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा स्कूल पहुंचकर इन बच्चों को रूबेला इंजेक्शन लगाए गए थे। विगत दिवस जिलाधिकारी ने इस बात को सख्त निर्देश दिए थे कि प्रिकॉशन लेने के बाद ही बच्चों का इंजेक्शन लगाया जाए। इसके बावजूद आज सुदामा प्रसाद एवं एम लाल मेमोरियल स्कूल के एक दर्जन बच्चे इंजेक्शन लगने के बाद बीमार हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सक इन बच्चों का इलाज कर रहे हैं और साथ ही इस बात की जांच भी कर रहे हैं आखिर यह बच्चे बीमार क्यों हुए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरपी रावत की माने तो कहीं ना कहीं प्रिकॉशन लेने में कोई गलती की जा रही है, जिस कारण यह बच्चे बीमार हो रहे हैं। हैं और यहाँ पे ये बच्चे भयभीत हो गए हैं। एक लड़की को कुछ हल्का सा चक्कर आया, सर दर्द हुआ, तो उसकी वजह से फिर अन्य बच्चों को भी ये कंप्लेन होने लगी और वो सभी बच्चे आए हुए हैं। दो को ड्रिप लगी हुई है, वो ठीक है, बाकी अन्य भी उपचार हो रहा है और सभी बच्चे सामान्य हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको कि बहुत प्रॉब्लम हो। सर लगातार इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही है, हाँ, क्या कारण है ये तो जांच का विषय है और इसके लिए भी एक कमेटी गठित कर दी गई है कि तुरंत उसको वैक्सीन और हर एक चीज चेक करके और उसको देखेगी कि क्या कारण है। सर क्या कंडीशन है बच्चों की? बच्चों की कंडीशन ठीक है। अभी आपने भी देखा है कि सभी बच्चे अभी भी आए हुए हैं और ट्रीटमेंट हो रहा है, बच्चे सामान्य कंडीशन के। क्या सर जिन बच्चों का टीकाकरण होता है उनको पहले से कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि ये मतलब इस तरीके से आपको इंजेक्शन लगवाना है? जी हाँ, ये इंस्ट्रक्शन होते हैं कि गार्जियंस की कंसेंट होनी चाहिए, बच्चे खाली पेट ना हो, कुछ खाए हुए हो और किसी तरीके की अगर पहले से कोई बीमारी है तो उस बच्चे को वैक्सीनेशन ना किया जाए। ये विशेष तौर से कल मैसेज पास कर दिया गया था, इससे पहले भी बताया गया है और हर एक और प्रिंसिपल्स की भी कल मीटिंग ली गई थी, सारे प्रिंसिपल्स को इससे भी अवगत करा दिया गया है और सारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं कार्यकर्ती हैं उन सभी को बता दिया गया है।